हेलो एवरीवन, आज क्लास में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे गिवन क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो आर्टिकल्स बनाती, पॉटरी आर्टिकल्स। अब क्या हुआ कि एक बार, मतलब एक दिन उन्होंने जब आर्टिकल्स वो लोग तैयार कर रहे थे, तो उसमें जो कॉस्ट आ रही थी वो क्या आई थी, थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आ रही थी, मतलब वो कितनी आ रही थी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और उसमें भी थ्री को ऐड कर दिया गया। इसको मैं थोड़ा और एलेबरेट करूँगा, अभी फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए। अब इसके बाद क्या है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वाज ₹90। अब जाहिर सी बात है वो एक आर्टिकल तो बना नहीं रहे हैं, एक से ज़्यादा ही बना रहे होंगे, क्योंकि एक पूरी की पूरी क्या इंडस्ट्री है। तो जो पूरी टोटल कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन की वो कितनी आ गई, ₹90। आपको बताना है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है और उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए थे। ओके, तो थोड़ी इसको मैं और एलेबोरेट करता हूँ। देखिए, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। पहले मैं एजम्पशन करता हूँ यहाँ पे, लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑन डेट डे बी एक्स। मैंने ऐसे एजम्पशन में लिया है कि हमारा जो उस दिन आर्टिकल, जितने आर्टिकल बनाए गए थे उस दिन, वो कितने एक्स आर्टिकल्स बनाए गए थे। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन डेट डे। अब उस दिन क्या हुआ था कि आर्टिकल बनाने की जो कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मतलब एक आर्टिकल कितना है एक्स, तो दो आर्टिकल कितने हो जाएंगे 2x, तीन कितने हो जाएंगे 3x, है ना। तो ट्वाइस यानी कि 2x, उसमें भी 3 ज़्यादा, मतलब प्लस 3, कुछ इस तरह से आप सबको समझ सकते हैं। अभी एक की बात की गई ईच। अब क्या कहा गया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 90। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है ₹10 की, आपने 5 चॉकलेट्स खरीदी। मैं थोड़ा इसको यहाँ ऊपर समझाऊँ, आपके पास एक चॉकलेट है, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, मतलब आपको 5 चॉकलेट्स लेनी है। एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, 10 है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके ही तो निकालते हैं, कितनी आ जाएगी, ₹50। यही यहाँ पे कहा गया है, टोटल आर्टिकल्स एक्स है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x प्लस 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 90 ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, जैसे यहाँ पे किया गया था। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, जैसे कि एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 थी, टोटल चॉकलेट कितनी थी, 5, तो मल्टीप्लाई करके ₹50 आया। ओके, सो ये इतना कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा ना टफ लग रहा होगा, लैंग्वेज इसकी टफ है, वरना है ये ईजी, बस इसकी लैंग्वेज एक बार आपको समझ में आ जाए तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं टॉफी चॉकलेट के एग्जांपल से। देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। देखिए टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स और एक आर्टिकल की कॉस्ट जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 3x इक्वल टू 90। 90 को लेफ्ट साइड ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन के आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को आता भी होगा, फिर भी मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूँगा। देखिए सबसे पहले तो 2 का मल्टीप्लाई 90 से होगा, कितना होगा, 180 हो जाएगा। मैं यहाँ रफ में कर देता हूँ साइड में 180। अब इसके फैक्टर करेंगे, मैं यहाँ इसके कर देता हूँ फैक्टर भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, 15, 3, 5, 5, 1, ये हो गए इसके सारे के सारे फैक्टर्स। अब आपको इनका यूज़ करके 3 लाना है कैसे भी करके। क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15, 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। 3 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 15 माइनस 12, ओके, प्लस 15x, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 2 और 15 यहाँ पे कॉमन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, या ले सकते हैं x कॉमन ले लीजिए, सिर्फ x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 और 90, तो मुझे लग रहा है 6 कॉमन आएगा दोनों में,
तो माइनस का साइन पहले कॉमन लिया और एक सिक्स कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस, और 90 में से सिक्स बाहर आएगा तो 15, ये आप लोगों का आता होगा। खैर 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 एक तरफ और x माइनस सिक्स एक तरफ। ओके सो ये 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस सिक्स इक्वल टू 0, यही था। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x वैल्यू प्लस का 15 उधर गया, माइनस का 15, टू मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में, और यहाँ पे माइनस का 6 उधर जाएगा तो x। तो सही क्या हुआ, ये वाला सही है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आ चुका और एक फ्रैक्शनल वैल्यू, एक डेसिमल वैल्यू है 7.5, इसका मतलब क्या है, 7.5 ऊपर से नेगेटिव है और ये नेगेटिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने आर्टिकल्स बनाए गए हैं, तो आर्टिकल्स कम एटलीस्ट बनेंगे, तो एक आर्टिकल तो बनेगा, उससे नीचे थोड़ी ना बन सकता है नेगेटिव में। तो सही आंसर क्या है, 6, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। ओके अब देखिए एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली है, 6 ली है, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ये क्या है, मतलब इतने आर्टिकल उस दिन बनाए गए हैं, 6 आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए हैं, 6 का मतलब क्या है यहाँ पे कि 6 आर्टिकल बनाए गए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 × x की वैल्यू 6 प्लस 3, सॉल्व कर दीजिए 12 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू ₹15। ₹15 में क्यों आया, क्योंकि कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ओके तो ये दोनों आंसर, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज थोड़ी टफ है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बार बार रीड करिएगा, कैसे बार बार खुद से रीड करिए, खुद से समझिएगा तो जल्दी आएगा। ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज क्लास में मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।